गांव के सरकारी कुएं में एक विचित्र आवाज आने लगी। सभी लोग उस घटनाओं से अचंभित थे। अरे दीदी, का तुम सुने रही? कल रात इस कुएं में अजीब अजीब आवाज निकला था। का तुम सुने रही दीदी? हाँ पुष्पा, मैं सुनी थी। बिट्टू के पापा बोलत रही कि मैं कुएं से जाकर देख आऊँ, लेकिन मैं साफ साफ बोल दई तुम कुएं में नहीं जाओगे, भला क्या अनहोनी हो जाए। अगली रात फिर से उस कुएं में अजीब अजीब रोने की आवाज आने लगी। सारे गांव वाले उस कुएं से निकली हुई आवाज को सुन रहे थे, लेकिन गांव वालों में से किसी का भी जाने का हिम्मत नहीं हुआ। अगली सुबह होती है। अरे दीदी, अरे ओ दीदी, चला पानी भरे के लिए। हमका अकेला डर लागत, उस कुएं में खतरनाक खतरनाक आवाज निकला था। थोड़ी देर बाद दोनों उस कुएं में पानी भरने के लिए चले जाते हैं। दोनों देखते हैं कि उस कुएं में एक खून से लथपथ एक हथेली का निशान है। अरे दीदी, मुझे तो लगता है इस कुएं में जादुई शक्ति है। रात रात को डरावनी डरावनी आवाज आती है, और दिन को देखो तो एक खून से लथपथ हथौली की निशान है। पुष्पा, तुम बोला तो सही रही, सही बात है। चलो हम इस कुएं के बजाय तालाब में पानी भरा जाए। रात के 12 बजते ही उस कुएं से डरावनी डरावनी आवाज आने लगी। अरे पूर्णिमा, मुझे लगता है यह किसी गांव वालों का ही करतूत है। रोज रात रात को कैसी कैसी आवाज निकालते हैं। चलो मैं उसे सबक सिखा कर आता हूँ, तुम घर पर ही रहना। श्यामू उस कुएं की ओर जाने लगता है। तभी वह देखता है कि उसके सामने तीन सिर वाली चुड़ैल है। तो तुम गांव वाले आ ही गए, मुझे तुमने कितना सताया, आज तो मुझे खोपड़ी खाने को मिलेगी ही। खिक 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 खिक। अरे चुड़ैल जी, मुझे पता नहीं था कि रोज रोज रात को तुम ही आवाज़ निकालती हो। मेरे घर पर मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, कृपया मुझे छोड़ दो। पर चुड़ैल श्यामू को मारकर उसकी मुंडी खाने लगती है। अगले दिन गांव वालों को एक लकड़ी के पीछे श्यामू का लाश दिखाई देता है। यह बात सारे गांव में फैल जाता है, और गांव वाले फैसला करते हैं कि कोई भी उस कुएं में पानी भरने के लिए नहीं जाएगा। सारे गांव वाले तालाब में पानी भरने के लिए जाएंगे। रात होते ही तीन सिर वाली चुड़ैल फिर से भयानक आवाज़ निकालती है। लगता है गांव वाले बहुत समझदार हो गए हैं, और मैं ऐसी ही करती रही तो मैं भूख से मर जाऊंगी। मुझे खोपड़ी खाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। चुड़ैल श्यामू की घर की तरफ जाने लगती है। चुड़ैल श्यामू की आवाज़ निकालती है, और वह पूर्णिमा को बुलाने का कोशिश करती है। अरे पूर्णिमा, अरे ओ पूर्णिमा, दरवाज़ा खोलो पूर्णिमा। सुनती क्यों नहीं पूर्णिमा, दरवाज़ा खोलो। श्यामू की आवाज़ सुनकर पूर्णिमा तुरंत ही दरवाज़ा खोलती है, और वह देखती है कि उसके सामने तीन सिर वाली चुड़ैल खड़ी है। चुड़ैल पूर्णिमा को मारकर उसकी खोपड़ी खाने लगती है। सुबह होने के बाद श्यामू की पत्नी की सिर कटी लाश देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। गांव वालों को किसी को भी समझ नहीं आता कि ऐसा कौन कर रहा है। सुनाता हो जी, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही? तुमको पता ना, श्यामू और उसकी पत्नी को कोई मारकर उसकी मंडी खा लिया है। लगता है ये सब भूत पिशाच ही कर रहे हैं। अरे पूनम, तुम चिंता ना करा, हमका कुछ नहीं हुई। हम उस कुएं के पास जावत भाई, ताकि उस कुएं के पास CCTV कैमरा लगा सके, तभी पता चले कि मामला का हुआ। वह उस कुएं के आसपास में सभी जगहों पर CCTV कैमरा लगा देता है, ताकि पता चले कि मामला क्या है। 12 बजते ही तीन सिर वाली चुड़ैल फिर से उस कुएं में खतरनाक आवाज़ें निकालती है।
लगता है गांव वाले बहुत समझदार हो गए हैं। अगर मुझे 2 दिन तक मुंडी खाने को नहीं मिली तो मैं तो मर जाऊंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही सारे गांव वाले सीसीटीवी कैमरा का फुटेज देखने के लिए पहुंचे। उन्होंने देखा कि 3 सिर वाली चुड़ैल है। सुनो गांव वालों, हमारे सामने एक 3 सिर वाली चुड़ैल है जो बहुत ही भयानक है। हमें इसका सामना डटकर करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही करते रहें तो वह पूरी गांव को बर्बाद कर देगी, और वह चुड़ैल 2 दिन तक मुंडी नहीं खाई तो वह मर जाएगी। तो गांव वालों, मैं पूरे गांव में 3 दिन तक लॉकडाउन करवाता हूं, जिससे कि सब अपने अपने घर में रहेंगे। चुड़ैल को 2 दिन तक मुंडी खाने को नहीं मिलने कारण उसकी मौत हो जाती है।